बुधवार की रात लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 24 से अधिक लोग घायल भी हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली से मोतिहारी आ रही स्लीपर कोच बस उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के नागला खंगर के पास आगे खड़ी कंटेनर में जा घुसी। बताया जा रहा है कि इस बस में बिहार के यात्री भी सवार थे। बस संख्या UP53FT4629 रात के करीब 10 बजे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सिरसागंज तहसील क्षेत्र में पहले से खड़े कंटेनर में जाकर टकरा गई। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 से अधिक यात्री घायल हैं। घायलों में से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को PGI लखनऊ शिफ्ट करवा दिया गया है। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को चारा घोटाले में सजा याफ्ता और रिम्स में इलाजरत अपने पिता लालू प्रसाद यादव से रिम्स में जाकर मुलाकात की। तेजस्वी यादव ने लालू यादव की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की है। वहीं मीडिया से बात करते हुए देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। बिहार के कैमूर में बहन द्वारा प्रेम विवाह किए जाने से नाराज एक युवक ने गोली मारकर अपनी भांजी की हत्या कर दी। विवाद के दौरान युवक ने अपनी बहन पर गोली चलाई, जिसमें महिला और उसकी बेटी घायल हो गई थी। इस दौरान अस्पताल पहुंचते ही 2 वर्षीय बच्ची ने दम तोड़ दिया। वहीं महिला की गंभीर स्थिति देखते हुए इलाज के लिए सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे बनारस रेफर कर दिया है। परिवहन विभाग द्वारा नियमों में बदलाव किए जाने के बाद जिलों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्रों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। करीब 2 महीने में 250 प्रदूषण जांच केंद्र खोले गए हैं। वहीं अब तक राज्य भर में 13,12,752 लोगों ने अपने वाहनों का प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट बनवाया है। हर प्रखंड वाहन प्रदूषण जाँच केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही पेट्रोल पंप, वाहन विक्रय केंद्र और सर्विस सेंटर में भी केंद्र खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मोबाइल प्रदूषण जांच केंद्रों की स्थापना के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाहनों की जांच की जा सके। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि हर जिले के प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने का लाइसेंस जिला परिवहन पदाधिकारी दे रहे हैं। अब तक ये अधिकार सिर्फ राज्य परिवहन आयुक्त के पास था। राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली के लिए नेट और गेट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा नियमावली की तर्ज पर राज्य सरकार ने नियमावली बनाई है। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब बीई, बीटेक, एमई, एमटेक के साथ ही बीएससी और एमएस पास भी शिक्षक बन सकेंगे। प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने बताया कि बिहार पॉलिटेक्निक सेवा नियमावली 2020 और अभिनियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।